गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये वीडियो 5-7 मिनट की है और लास्ट तक देखिएगा, स्पेशली अगर आप कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कर रहे हैं। एक कॉमन कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है बिकॉज रिसेंटली सीएस इंस्टीट्यूट ने कुछ नया अनाउंस किया था, सीएसईईटी, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड भी किया था, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट सीएसईईटी। ये उन स्टूडेंट्स को नहीं देना है दोज हू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड देयर सीएस फाउंडेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, CSEET course is not for those students who have already cleared their CS foundation और जिनके results recently declare हुए थे। ये उनके लिए है जो अब ये देखिए notification 3rd February 2000 को publish हो गया है कि अब CS foundation course में कोई नया admissions अब से नहीं लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल दे पाएंगे। सीएस एग्जीक्यूटिव देने के पहले आपको एक उनकी ऑनलाइन एक टेस्ट देनी पड़ेगी, दैट इज सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। सर मैं सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया हूं, अब मैं डायरेक्टली सीएस एग्जीक्यूटिव में जा सकता हूं। सर मैंने बीकॉम क्लियर कर लिया है, मैं डायरेक्टली सीएस एग्जीक्यूटिव में जा सकता हूं। गलत विचार होगा, गलत सोच है अब, बिकॉज नाउ व्हाट दे हैव सेड कि ये टेस्ट सबके लिए मैंडेटरी है, इवन इफ यू हैव क्लियर्ड योर सीए फाउंडेशन या सीए इंटर के बाद लोग सीएस एग्जीक्यूटिव में डायरेक्टली आ जाते थे, या बीकॉम एग्जाम्स के बाद दे वर डूइंग द सीएस एग्जीक्यूटिव कोर्स, डायरेक्टली कर सकते हो अभी भी आप, बट आपको सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। सीएस फाउंडेशन वो अब हट ही गया है, बट ये उसी के तरह एक इनडायरेक्टली एक लेवल, सो कॉल्ड नोशनल लेवल यहां पर आपको लगेगा जो दिख नहीं रहा, बट ये उसके लिए पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। दिस इज सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, ये उन लोगों के लिए है जो आप सपोज क्लास 12 की एग्जाम इन द मंथ ऑफ मार्च जिनकी खत्म होगी, या जो ऑलरेडी बीकॉम भी कर चुके हैं, बीकॉम उनका कंप्लीट हो गया है ग्रेजुएशन, एंड नाउ दे वॉन्ट टू एंटर सीएस एग्जीक्यूटिव। तो पहले एक सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट देना मैंडेटरी है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो सर ये मैं सीएस फाउंडेशन क्लियर किया है, मेरा एक फ्रेंड, क्या उसको भी सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा? नहीं। देखिए लिखा हुआ है, द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गिविंग दिस टेस्ट। सीएस फाउंडेशन प्रोग्राम जो पास्ट है उनको नहीं देना है ये। ओके, आईसीएआई फाइनल अगर आप पास्ट हैं तो नहीं देना है, पर उसके लिए आपको एक फीस देना पड़ेगा 5,000 रुपए की, या सीएमए फाइनल अगर आप पास हैं तो आप एग्जेम्प्टेड हैं। तो ये तीन कैटेगरीज एग्जेम्प्टेड हैं। सर बीकॉम एमकॉम सबको सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। सर एक बात बताइए, आखिर इस टेस्ट में ऐसा क्या है? टेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली अगर आपके घर में कोई सीनियर या बिल्डिंग में कोई बड़े भाई या दीदी ऑलरेडी क्लैट या बैंकिंग के कोर्सेज को कर रहे थे, तो वो आपको थोड़ा हेल्प भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम हो ट्यूशन लेने का। दिस कोर्स इज गोइंग टू बी वेरी डायनामिक, इसमें करंट अफेयर्स, जैसे आईएएस और की जो तैयारी करते हैं एग्जाम्स की, करंट अफेयर्स, इससे आप जस्ट सोचिए कि आपका खुद का जो ग्रोथ होगा, जो नॉर्मली मुझे लगता था कि हमारे एजुकेशनल कोर्स में हम बाहर का कुछ जानते ही नहीं है, सिर्फ जो बुक्स में लिखा है वही क्वेश्चन आंसर्स पढ़ के आप रैंक ला रहे हैं, तो अब अपना डेवलपमेंट होगा। करंट अफेयर्स हैव बीन एडेड हियर, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर और ज्यादा फोकस किया गया है। नाउ दिस लीगल एप्टीट्यूड, ये वाला जो पोर्शन है लीगल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन, ये लीगल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन इज लाइक योर लॉ, जिसमें कंपनीज एक्ट के अंश हैं, जिसमें टॉर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के भी अंश हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी अंश हैं, लॉजिकल रीजनिंग इज देयर, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरमेंट, ये इकोनॉमिक्स आप शायद क्लास 12 में पढ़े होंगे, पर यहाँ थोड़ा ऑफकोर्स क्वेश्चन के पैटर्न अलग हैं, एंड दिस इज ऑल्सो गुड, बिजनेस एनवायरमेंट टॉपिक इज ऑल्सो वेरी गुड। तो ये चार पेपर्स हैं। सर मैथ्स वैसे नहीं है, पर ऑफकोर्स स्टैटिस्टिक्स के कुछ अंश और यहाँ पर हल्का लॉजिकल रीजनिंग में काम आ सकता है। तो दिस इज नाउ द न्यू सेट ऑफ पेपर्स विच इज टू बी गिवन इन द सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। इसकी डिटेल्ड टॉपिक वाइज ब्रेकअप मेरे दूसरे लेक्चर या दूसरा जो मैंने यूट्यूब में एक लिंक अपलोड किया था उसमें डाला हुआ है। ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। सर एमसीक्यू है ना, ज्यादातर सब एमसीक्यू है, ऑडियो क्लिप्स पे क्वेश्चंस हैं, देख पा रहे हैं, वीडियो क्लिप्स पर भी क्वेश्चंस है, एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में, ताकि आप बड़े आंसर्स को लिखने के लिए भी तैयार हो सके। यानी इट्स नॉट टोटली एमसीक्यू बेस्ड, इट इज अ ब्लेंड ऑफ फोर थिंग्स, एमसीक्यू, ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। सर ड्यूरेशन क्या होगा वो सब लिखा हुआ है, एंड आपकी पहली जो क्वेश्चन रहती है, जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको अपील करता है, सर नेगेटिव मार्किंग, गुड न्यूज, नो नेगेटिव मार्किंग इन द सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और एज यूजुअल
कि आपको 50% लाना है. सपोज अगर 100 मार्क्स का टेस्ट है तो 50 लाना है, अगर सपोज 200 मार्क्स का है तो 100 लाना है, और मिनिमम 40% इन ईच सब्जेक्ट भी होना चाहिए. सर मेरे को लॉजिकल रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड में 10 ले आऊं, बाकी में 90 ले आऊं? नहीं, क्लियर माने जाएंगे आप. मिनिमम 14 ईच सब्जेक्ट, पेपर वन में आपका 40 होना चाहिए मिनिमम, पेपर टू में भी मिनिमम 40 होना चाहिए, एंड टोटल मिला के आपका 50% होना चाहिए. जो भी टोटल मार्क्स हो उसके 50% भी आपके होने चाहिए. सर अच्छा लग रहा है, हम लोग ये जान गए. सर एक चीज बताइए, एग्जाम सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का कब होगा, आप जानना चाह रहे हैं. सर मेरे बिल्डिंग में एक बच्चा है, सीएस फाउंडेशन दिया है, एंड उसकी एग्जाम एग्जीक्यूटिव की कब है? आप सब जानते हैं उसकी एग्जाम कब है, दिसंबर 2020 में. अभी अगर रिजल्ट्स निकला हो आपके जनवरी में तो दिसंबर 20 में होगा. पर अब एक गजब चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं यहां पर. अब एग्जाम जो सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के होंगे वो 4 बार होंगे, तो इसमें ज्यादा खुश होने का बात नहीं, पहले 6-6 महीना वेट करना पड़ता था. आप तैयारी ऐसा करिए कि पहली बार में ही आप क्लियर हो जाए. Now 4 times exams will be conducted. So, मेरा एक कजन है, क्लास 12 का एग्जाम अभी जस्ट दे के निकलेगा. वो कब दे सकता है अर्लीस्ट अपना एग्जाम? ओके, तो अगर वो अर्लीस्ट अपना एग्जाम देना चाहता है तो वो इस पीरियड में भी दे सकता है. 21 मई से लेकर 15 जून तक तो उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है सर. एंड उसके बाद वो 20 जुलाई के आसपास उसके रिजल्ट भी आ जाएंगे. सर एग्जाम होगा कब? जुलाई महीने में उसकी एग्जाम होंगी, जो भी 10 जुलाई के आसपास, सपोज 8 जुलाई को एक सैटरडे है तो 8 जुलाई को एग्जाम होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यानी एग्जाम सैटरडे को ही रखा गया है, एक पर्टिकुलर मंथ के 10वें तारीख के आसपास जो भी सैटरडे पड़ रहा हो, तो आपके एग्जाम्स सैटरडे को रखे गए हैं, जो उस पर्टिकुलर मंथ के आसपास जो भी सैटरडे पड़ रहा हो. पर मैं आपको आइडियली, अगर मेरा व्यू है कि अगर स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम्स दिया है क्लास 12 का, मैं स्पेशली टारगेट कर रहा हूं अभी जो क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स हैं, तो जो क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स हैं वो मुझे लगता है कि उनके लिए बेस्ट टाइम क्या होगा कि वो रजिस्टर करवा ले जैसे अपना बोर्ड एग्जाम ओवर हो, और उसके बाद दे शुड ट्राई टू गिव एग्जाम इन दिस पीरियड में, यानी कि सॉरी 10th नवंबर के आसपास जो सैटरडे आएगा, रिजल्ट 20 नवंबर को ही आ जाएगा. वाओ वेरी फास्ट, 20 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा, एंड दे शुड ट्राई टू अपियर इस पीरियड में. एंड अगर कोई बहुत ज्यादा एक्टिव हो, नहीं मैं मार्च के बाद ही अप्रैल में जून में तैयारी पूरा कर लूंगा, तो वो मेरे ख्याल से 10 जुलाई को भी बोर्ड एग्जाम्स के बाद एग्जाम दे सकते हैं. बट प्रॉब्लम क्या है, वो दिसंबर में एक ही ग्रुप दे पाएंगे, एग्जीक्यूटिव में 2 ग्रुप्स होता है, तो इस साल वो एक ही ग्रुप दे पाएंगे. तो बेटर होगा वो आराम से रिलैक्स करके और अच्छी तैयारी करके करंट अफेयर्स के बारे में और अच्छा पढ़कर फिर एग्जाम दें 10 नवंबर के आसपास, तो 20 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा, एंड वो जून 2021 में अपने दोनों ग्रुप्स अपियर कर पाएंगे. प्लीज एजुकेट देम, ये एग्जिक जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं सीएस उनको भी देखना चाहिए ताकि जूनियर्स को आप समझा सको. एंड दिस पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है. सपोज आपने इस पीरियड में आपने 1st of June को रजिस्टर करवा लिया. सर तो मुझे 10 जुलाई को एग्जाम देना कंपल्सरी है क्या? नहीं नहीं, आप रजिस्टर करवा लिए इस कोर्स के लिए 1st of June को, आप एग्जाम चाहें तो थोड़ा लेट से भी दे सकते हैं. यू कैन गिव इट, मतलब अर्लीस्ट आप दे सकते थे 10 जुलाई के आसपास, आप तैयारी के बाद एग्जाम दे दीजिए 10 नवंबर तक. बेटर होता है कि आप टाइम से रजिस्ट्री करवा लीजिए, आप रजिस्टर चाहे इस फर्स्ट स्लॉट में भी करवा लीजिए अभी बोर्ड एग्जाम्स के जस्ट बाद. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड देन यू कैन गिव योर एग्जाम, तैयारी करके आप एग्जाम दे सकते हैं 10 नवंबर को. तो फॉर द फर्स्ट टर्म वी आर एडवाइजिंग कि आप 10 नवंबर को एग्जाम दीजिए, 10 नवंबर के आसपास जो सैटरडे आएगा, प्रॉपर तैयारी के बाद जब तक ये दो सेशंस के पेपर्स पैटर्न को देखकर आपको और क्लियर हो जाएगा व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू आस्क. वैसे लोग मॉडल क्वेश्चंस रिलीज करेंगे वेरी सून, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. 4 बार एग्जाम दे सकते हैं. लेट मी क्लैरिफाई, एग्जीक्यूटिव के एग्जाम अभी भी 4 बार नहीं है, वो 2 बार ही है. प्रोफेशनल के एग्जाम्स भी 2 बार ही होंगे. सिर्फ ये जो सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट है, इसके एग्जाम्स अब 4 बार कंडक्ट किए जाएंगे. रिमेंबर दिस, रिजल्ट डिक्लेरेशन आपने देखा, और अगर आप 20 नवंबर को क्लियर हो जाते हैं तो बोथ मॉड्यूल्स आप जून 20 में दे सकते हैं. सो बाय चांस मेरा नहीं हुआ तो फिर एक एग्जाम यहां पर होगी, देखेंगे 10 जनवरी को नेक्स्ट एग्जाम होगी उसके आसपास, और रिजल्ट 20 जनवरी को आएगा. आप
अपने फ्रेंड के संग जून 2021 में, एक ग्रुप फिर भी दे सकते हैं अगर आपको यही वो मोह रहता है कि फ्रेंड के संग ट्यूशन लेना है, तो एक ग्रुप की पढ़ाई आप उसके संग कर लीजिए, एक ग्रुप की पढ़ाई आप बाद में कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। सो दिस इज वेरी क्लियर, आप पढ़िएगा, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफिकेटरी टेबल बनाया है, कोई भी एकदम आम आदमी भी इसको पढ़ के इंटरप्रेट कर सकता है व्हाट इज इट अबाउट। सब्जेक्ट्स आपने देखा यहां पर, एंड और एक चीज जो फाउंडेशन में क्लियर हो गए हैं उनके लिए, एग्जीक्यूटिव की रजिस्ट्रेशन की लास्ट तारीख क्या होगी? एग्जीक्यूटिव की रजिस्ट्रेशन की लास्ट तारीख 31 मई, अगर अभी रिजल्ट निकला था आप फाउंडेशन क्लियर हुए हैं, 31 मई तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अच्छा, व्हेन आई टॉक अबाउट रजिस्ट्रेशन पीरियड विच कैंडिडेट कैन रजिस्टर, ये कोर्स में रजिस्ट्री के लिए है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये कोर्स में रजिस्ट्री के लिए जो लास्ट तारीख है यहां पर 31 मई है, अगर आप दोनों ग्रुप अपियर करना चाह रहे हैं और फाइनल में अगर सारे ग्रुप अपियर करना चाह रहे हैं तो 31 मई ऑफ द सेम ईयर। तो ये पीरियड थोड़ा बढ़ा दिया गया है, दैट इज अ गुड थिंग, और एक मॉड्यूल देना है तो 31 जुलाई 2020 तक भी आप कर सकते थे। इज इट ओके एवरीवन? और भी इसमें कुछ बारीकियां दी गई हैं जो आप रीड करेंगे नोटिफिकेशन को तो क्लियर है, क्योंकि मैं लंबी वीडियो नहीं बना रहा, नो वन वुड बी इंटरेस्टेड टू वॉच, पूरा ज्ञान कोई सुनना नहीं चाहता, तो मैं क्रिस्प एंड शॉर्ट वीडियो आपके लिए यहां रेडी किया हूं कि CS फाउंडेशन अगर आप क्लियर न... अच्छा एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है, सर मेरा फाउंडेशन क्लियर नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? आप अगर CS फाउंडेशन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, यू विल स्टिल कंटिन्यू इन CS फाउंडेशन, मतलब आपको CSEET नहीं लागू हो रहा है, सर कितने टर्म्स तक? अरे हो जाता है फाउंडेशन, सेकंड टर्म में तो हो ही जाएगा, आप चिंता मत करो, नहीं हुआ तो अरे थर्ड टर्म भी फाउंडेशन वाले, आप 3-4 टर्म तक फाउंडेशन में रहोगे, मतलब बेसिकली जब तक आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्सपायर नहीं हो रहा, उसमें लिखा रहता है वैलिडिटी पीरियड, आप फाउंडेशन के ही पेपर्स आपके पास आएंगे, आपको एग्जाम जो है जो जाके आप देते हैं वो फाउंडेशन के हिसाब से ही होगा, नीड नॉट वरी। अंडरस्टूड एवरीवन? सर मैं फाउंडेशन में हूं, मैं CSEET में ट्रांसफर हो जाऊं, आई वुड नॉट एडवाइज, बिकॉज फिर एक नए तरीके से पढ़ाई करना होगा। फाउंडेशन बहुत स्टीरियोटाइप्ड है, कंपैरेटिवली इजी है, अभी उसी को बेस बना के चलाते रहिए, आई थिंक दैट इज एडवाइसेबल, डोंट स्विच ओवर टू CSEET अभी इमीडिएटली। और ये कुछ स्लैब दिया हुआ है कि क्या फीस देना पड़ता है अगर मैं ये पास करके एग्जीक्यूटिव में जा रहा हूँ, तो कोई बच्चे पूछते हैं, तो ये रफ फीस का स्लैब यहाँ दिया हुआ है, आप पढ़ के एनालाइज कर सकते हैं दैट व्हाट इज द फीस स्ट्रक्चर। इज इट ओके एवरीवन? तो ये इंस्टीट्यूट अभी और क्लैरिफिकेशन आने वाला है, आई वाज स्पीकिंग टू सम सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स कि इस पर और डिटेल, इनकी बुक वुक और सब कुछ आने वाली है, तो वो सब भी समझाया जाएगा। सर CS एग्जीक्यूटिव भी चेंज हो गया क्या? नहीं, प्रोफेशनल नहीं, वो जैसा चल रहा था वैसे ही है, सब्जेक्ट्स भी सेम है, बट बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट विच एवरी स्टूडेंट मस्ट नो, क्योंकि कई लोग पैनिक कर रहे हैं कि अब क्या फाउंडेशन जो पास हो गए हैं उसको भी CSEET देना होगा? नहीं देना है। सर मेरा फाउंडेशन नहीं हुआ इस बार, लास्ट टर्म था सर, अब मुझे क्या CSEET देना होगा? नहीं देना होगा, आप फाउंडेशन में ही रहेंगे। ओके, एंड यहां कुछ नए क्लॉजेस है कि आप सपोज प्रोफेशनल पास हो जाते हैं और फिर कई लोग है ना ट्रेनिंग वेनिंग कंप्लीट नहीं करते हैं, अचानक 3 साल बाद जाते हैं, तो अगर आपको अपनी चालू रखनी है रजिस्ट्रेशन को जो आप एज अ स्टूडेंट था, तो हर साल 1000 रुपीज पर ईयर देना पड़ेगा। दिस इज अनदर क्लॉज विच हैज बीन इंसर्टेड हियर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर नोटिफिकेशन डेटेड 3rd February जो इंस्टीट्यूट ने अभी अभी हमारे लिए लाया था। और भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई एम जस्ट राइटिंग माई नंबर, फोन हो सकता है मैं कई बार ना उठा पाऊं, तो प्लीज व्हाट्सएप मी दीज डिटेल्स। थैंक यू।